Don't forget to subscribe Hum Television YouTube channel and hit the bell icon. Thank you. सुफियान को सब कुछ पता चल गया, मुझे बहुत डर लग रहा है क्या होगा। मगर कैसे मालूम हुआ उसे? वो महा तुम उसे अंदर लेके जाओ। हाँ चलो अंदर आओ। हिरण जा रहा है और सारा? साहिर है, मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगी ना। तभी तो इतनी सारी शॉपिंग की है, फिर पता नहीं कब आना हो। अम्मा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो, तुम जरा अपना ख्याल नहीं रखते, ना खाने का होश है ना सोने का, सारी रात जागते रहते हो। कभी दोपहर का खाना नहीं खाया, कभी रात को खाना नहीं खाया। अम्मा मैं जागता कहाँ, सो तो जाता हूँ और फिर जब भूख नहीं होती तो नहीं खाता, मगर जूस तो पी लेता हूँ ना अम्मा। मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें जरा परवाह नहीं है अपनी। सरीना चली गई, हम तो हैं ना बेटा, हमें बहुत जरूरत है तुम्हारी। अच्छा मैं तो मैं अपना ख्याल रखूँ, वादा करता हूँ, लेकिन पहले आप लोग एक बात बताएंगे, सच सच बताइएगा। चीता अबू पूछे क्या पूछना है? फरी सुफियान से लड़कर आई है? नहीं ताबू, वो हल्की फुल्की तकरार हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अगर सब ठीक है तो ये अब तक क्यों है यहाँ? गई क्यों नहीं अपने घर, ईमान के पास, सुफियान के पास? यहाँ क्या कर रही है? हम छोड़ने जा रहे थे, वो आपकी तबीयत खराब होगी इसलिए रुक गए। वैसे वो आप ये सब क्यों कह रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? तुम्हारी सास ने, वो कह रही थी कि सुफियान फरी को तलाक देने वाला है। बहुत ही फसादी औरत है ये। आप लोग रुके, मैं जरा इनकी खबर लेकर आता हूँ अच्छी तरीके से। शेबी हद करती है ये औरत भी, राई का पहाड़ बनते तो देखा था, इसने तो बिना राई के पहाड़ बना दिया। वहाँ प्लीज परेशान मत हो, फिर ये भी सैफी से बात हुई और थोड़ी देर तक मैं घर भी चली जाऊंगी, प्लीज टेंशन मत ले आप। सच कह रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। क्या जरूरत थी इस तरह की बातें करने की अब्बू के सामने? आपको पता है ना अंजाइना के मरीज है वो, और आंटी अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो आप सोच भी नहीं सकती मैं क्या करता आपके साथ। और तुम विनी, तुम समझा नहीं सकती थी अपनी अम्मी को? शेपी मैंने रोका था इन्हें, मगर तुम तो जानते ही हो ना, जब मम्मी बोलने पे आती है तो रुकती कहाँ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी बात आपने कर कैसे दी अब्बू से, वरना इंसान तो तलाक का सोचते हुए भी डरता है। और आंटी हमारे खानदान में तलाक को बहुत अजीब समझा जाता है, इसीलिए आपकी बेटी यहाँ पर बैठी इस वक्त। ये मेरे खानदान की ही तरबियत थी जो मैं चुपचाप वहां से उस वक्त निकल गया। जानती हो शेबी, तुम्हारे बहुत एहसान आते मुझ पर। मेरा वो मतलब नहीं था विनी, मैंने बस तलाक का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे खानदान में तलाक को गाली समझा जाता है, जो तुम्हारी अम्मी मजाक की तरह उड़ा गई। वैसे आंटी आपको कैसे सूझती है इस तरह की बातें? क्या दिमाग में यही सब चल रहा होता है पूरे दिन आपके? मैं क्यों करूंगी ऐसी बातें, मैंने तो जो अपने कानों से सुना वो कह दिया। मैंने सुना था तुम्हारी बहन कह रही थी कि सुफियान उसको छोड़ देगा। हाँ छोड़ देगा उसे, उसने ये नहीं कहा तलाक देगा। देखिए आंटी, ये आखिरी बार मैंने आपको माफ किया, अब ऐसी हरकत आपने दोबारा की तो भूल जाइएगा मैं आपको माफ करूंगा कभी।
बड़ा है मुझे माफ करने वाला। मम्मी बंद कर अपना मुंह, फिर से मेरे घर पे बात करने पे तुली नहीं आप। मैंने ऐसा क्या कह दिया? उसको देखा तुमने कितनी उल्टी सीधी बातें करके गया। मैंने तो जो अपने कानों से सुना वो कह दिया, अब ये लोग उसका उल्टा मतलब निकाल ले तो मेरा क्या कसूर है? मम्मी प्लीज जाए यहाँ से। मुझे फरी से ऐसी उम्मीद न थी, बजाय इसके कि वो अपनी गलती की माफी मांगती मुझसे, वो तो घर छोड़कर ही चली गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरे साथ इतने अरसे तकलीफ में ना गुजारती, कब का मुझे छोड़कर चली जाती। बेटा मैं अंदर आ जाऊं? जी हाँ आइए ना प्लीज। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप, बैठिए। सैफी परी से बात हुई है? नहीं मैंने उसे फोन नहीं किया। तो बेटा कर लो उसे फोन, उससे बात करो, उसे पूछो। तुम जानते तो हो कितनी परेशानी में गई है वो, कभी भी वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाती। अच्छा ठीक है मैं उसे फोन कर लूंगा। एक बात कहूं बेटा, नेक बीवियां किस्मत वालों को मिलती हैं, और फरी एक बहुत ही अच्छी नेक सुलझी हुई लड़की है। उसने हर गम हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गई, ये तुम बात बहुत अच्छी तरह जानते हो। बेटा उसका हमेशा ख्याल रखना। ईमान सो गई क्या? बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत शरारती हो गई है, बस चाहती है कि उसके साथ सिर्फ खेलते रहो। अमान तो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं उसके साथ, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हाँ बहुत तेज है माशाल्लाह, एक्टिव भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल तुम पे गई है, हमारे घर की रौनक है वो। बेटा निभा करना बहुत मुश्किल काम है, और जो औरत निभा करना जानती है उसका घर बस जाता है। इसके लिए बड़ी कुव्वत बर्दाश्त चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारी मां होती तो भी यही कहती, सुफियान को बहुत पसंद करती थी, हमेशा उसकी तारीफें करती थी। जी अबू। तो बेटा अपनी मां की रूह को दुख न पहुंचा, गलती चाहे सुफियान की उससे झुक के माफी मांग। ठीक कह रहे आप बाबू, लेकिन हम इतनी जल्दी क्यों चले गए? काश मैं जिंदा होती तो मैं कॉल करके कोई मशवरा ही ले लेती, उससे कम ये सब कुछ तो ना होता। अम्मी जिंदा नहीं है तो क्या हुआ फरी, हम लोग तो है ना, मैं हूं अब्बू हैं और सबसे बढ़ के दादू हैं, तुम दादू से मशवरा कर सकती हो, और मां भी बहुत समझदार है। दादू हमें देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, चाबी हमारे पास है। ठीक है बेटा, भले देर हो जाए लेकिन दोनों की सुलह करवा के आना। दादू आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों जा रहे हैं ना। और अब सुफियान बहुत समझदार हो गए, लेकिन शौहर होने के नाते कहीं उसे ये बात बुरी ना लग जाए, आप दुआ कीजिए। अरे बेटा दुआ तो मैं मुस्तकिल कर रही हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ठीक है फिर हम लोग निकलते हैं, मैं बहुत ख्याल रखूँ, चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहते हैं इतनी रात में हम सब आपके घर आ गए। बेटा ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा भी घर है ये,
अच्छा मुझे बताओ दादो कैसी हैं आप? जी बेहतर हैं। परी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आंटी फरी थोड़ी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, इसलिए हमने सोचा कि आउटिंग करके आते हैं, बस आइसक्रीम खाई उसके बाद आ गए सीधा। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम लोग यहाँ आए। आंटी कल सब हम लोगों ने छुट्टी की है तो सोचा शादी वाले घर जाके थोड़ी गपशप कर लें। बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम सबको यहाँ देख के, मेरे घर में तो जैसे रौनक लग गई। वैसे आंटी लग नहीं रहा कि ये शादी वाला घर है। माँ हाँ बेटा यहाँ हल्ला गुल्ला कौन करेगा, सारा को शॉपिंग से फुर्सत नहीं और फैजी है कि वो कमरे से ही बाहर नहीं आता। बेटा तुम लोगों की वजह से ही तो रौनक हो गई। फरी इन सबको अपने कमरे में ले चलो बेटा, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। चलो मैं जानती हूँ फरी ने गलती की है, लेकिन इसकी गलती के पसे पर्दा जो हकायक हैं वो आपको जानना जरूरी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं जिसने आपके साथ दुख की घड़ियां काटी हो, जिसने अपना सब कुछ आप पर लुटा दिया हो, कभी उफ तक ना किया हो, वो ऐसी घटिया हरकत कर सकती है? जिसने खुशी खुशी अपने सारे जेवरात आपके हवाले कर दिए, वो ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगी? अब अच्छा वक्त आने पर वो अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी करेगी क्या? तो फिर उसने ये सब क्यों किया? क्या उसने ये सोचा कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मैं तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगा ना? देखिए सुफियान, ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुने, उसके बाद जो दिल चाहे वो फैसला करे। आसिफ फरी की दोस्त हीरा का कजन था। फरी का हीरा के घर बहुत आना जाना था और आसिफ से भी वही मुलाकात हुई थी। आसिफ ने इसे प्रपोज किया, दोनों के घर वाले राजी थे। फरी आसिफ से बाहर 2-3 बार मिली लेकिन घर वालों की रजामंदी से। एक बार मैं भी छोड़ने गया हूं और शेबी भी छोड़ने गया है। ये मुलाकातें चोरी छुपे नहीं हुई कभी। फिर अचानक आसिफ का रवैया बदलने लगा। उसकी कजन अमेरिका से आई थी तो उसने फरी से ताल्लुक ही खत्म कर दिया। वो अपनी कजन के साथ अमेरिका चला गया। फरी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, लेकिन घर वालों के समझाने के बाद ही समझ गई और फिर अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करना शुरू हो गई। उसके बाद आपका प्रपोजल आया, अब अचानक आसिफ इसकी लाइफ में आ गया, रब्ता करने की कोशिश की, मिलने पर इसरार किया और जब फरी ने इनकार किया तो अपनी और फरी की तस्वीरें फोटोशॉप से एडिट करवाकर इसे ब्लैकमेल करने लगा। फरी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, किसी को बताए बगैर उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे बड़ी बड़ी रकम देने लगी। लास्ट में जब सारा के जेवरात देने लगी तो हम सबको पता चल गया और फिर हमने आसिफ को रंगे हाथों पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये सब कुछ, ये सब मुझे नहीं बता सकती थी क्या? कैसे बताती सुफियान भाई आपको ये? कोई भी बीवी अपने शौहर को इस तरह की बात कैसे बता सकती है? और इसे घर टूटने का डर था। सुफियान प्लीज मुझे माफ कर दे, जानती हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं डर गई थी बहुत कि मेरा घर ही ना टूट जाए। खुदा जानता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, कि तुम्हें नहीं रह सकती अब, शायद डर गई थी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दे आप।
खुदा की खातिर प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं फरी प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ देखो मेरी तरफ, देखो फरी इस तरह से माफी मांग के मुझे प्लीज मजीद अज़ियत में मत डालो। काश ये सारी बातें तुमने मुझे पहले बता दी होती, फिर तुम देखती मैं तुम्हें इस मसले से कैसे निकालता, और इस इंसान का मुंह तोड़ता वो अलग। चलो शाबाश, अब सब कुछ भूल जाओ, और एक बात याद रखना, तुम्हारा शौहर इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करता है, ठीक है? सॉरी। इट्स ओके। जाओ शाम में सबके लिए चाय लेकर। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके मां तुम्हारा। अगर ये पर्दा मेरी आंखों से ना उतरता तो शायद सारी जिंदगी में तकलीफ में गुजार लेता। फरी हमारी बहन है, और हम नहीं चाहते कि इस गलत फहमी की वजह से हमारी बहन का घर टूटे। मेरी हर ज्यादती को तुमने बर्दाश्त किया है फरी, लेकिन अब जब तुम मुश्किल में आई तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेर कहाँ हो तुम? भाई जल्दी पहुंचो, निकाल लेट हो रहा है। सॉरी डैड, मैं नहीं आ सकता, मैं भी टीना के साथ दोस्त के अपार्टमेंट में हूँ। क्या